स्टार्टिंग ओपन करिए बच्चे, हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वी हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुडे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। मैं आपको ये चैप्टर जो है सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट कराऊंगा, रादर देन फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज जो है आपका टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 214 से, आपने पहले भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर आप सबने देख रखा है, तो ये शेप तो रहेगा, यहाँ पे रेडियस रहेगा आर, हाइट रहेगी है, रेडियस रहेगा आर और हाइट जो रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी एच। इसका कर्व सरफेस एरिया पहले हम पढ़ेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कौन सा हो जाएगा, जिसका बाहर वाला पार्ट, ठीक है, सारा ये सारा कर्व पार्ट है। तो आप समझने के लिए देखो, ये मार्कर है, मार्कर की जो पूरा भार जो प्रिंट हो रखा है, प्रिंट कहाँ पर होता है, आउटर पार्ट में प्रिंट होगा, आउटर पार्ट के इसका सारा का सारा कर्व हो रखा है, तो कर्व पार्ट में प्रिंटिंग होगी, तो ये हो जाएगा इसका कर्व पार्ट, ठीक है। और कर्व पार्ट क्या हो जाएगा, जैसे ये रहा हमारा बॉटल है, ये आपका बॉटल है, तो बॉटल का जो भार वाला इसका पार्ट है, सारा का सारा कौन सा पार्ट है, कर्व पार्ट है। तो कर्व समझ लिया होता क्या है, ये समझ आ गया, आंसर क्या है, कैसे निकालना है, कर्व पार्ट कौन सा बोलोगे, ये वाला पार्ट बोलोगे, बट ये सर्कल के लिए क्या होता है, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस हो गया 2πr, और एक कर्व पार्ट कहां तक चलती जा रहा है, कितनी हाइट तक, एच हाइट तक, इसका आंसर हो जाता है इसका 2πr। इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस तरीके से आता है 2πr, अगर ये 8 में टीचर ने बताया था, नहीं बताया था, रटवा दिया होगा, बट ये कैसे आता है मैंने आपको बता दिया, सर्कमफेरेंस होगी कर्व पार्ट होगा मतलब सर्कमफेरेंस 2πr, कितनी हाइट तक है, एच हाइट तक, तो 2πr है सर। फिर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस, अब टोटल सरफेस का मतलब क्या हो गया, होल सरफेस एरिया का मतलब हो गया ये जो इसका कर्व पार्ट है प्लस ये नीचे का एरिया ऑफ बेस, ऊपर है एरिया ऑफ टॉप, दोनों आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो जाता है सी एस ए मतलब टॉप सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। टॉप सरफेस एरिया होता है 2πrh, टॉप के एरिया, टॉप एरिया कौन सा है, सर्कल की फॉर्म में, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, बॉटम का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, रह जाएगा 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, 2πr कॉमन मल्टीप्लाइड बाय h प्लस r, तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस इज आल्सो नोन एज लेटरल, कर्व बोलो लेटरल बोलो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा आपका एक ही बात है, तो नोट कर लीजिए फॉर्मूला, चैप्टर 8 में भी था बेटा, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। अगर मैं बोल रहा हूं ओपन टैंक है, जो टैंक है ओपन है, तो ओपन कहां से होगा, ऊपर से ओपन होगा, तो एरिया ऑफ शीट कहां कहां पे यूज होगी, इसके कर्व पार्ट पे यूज होगी, कर्व पार्ट क्या होगा 2πrh, और कहां पे होगा बॉटम पे, बॉटम कितना है पाई आर स्क्वायर होगा, ये बेस क्या है सर्कल, सर्कल के एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा पाई आर 2h प्लस r, नोट करके डाल देंगे चार्ट बॉक्स, सो वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ। एक्सरसाइज पे आती है, एक्सरसाइज से पहले आपके पास पेज नंबर 216 एग्जांपल नंबर 3 रीड करिए।
पेज नंबर 416 एग्जांपल नंबर 3 अगोदर सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैलिडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट She wanted to use tar paper to make the curved surface area of the kaleidoscope. She wanted to use tar paper to make the curved surface area for the kaleidoscope. What would be the area of the tar paper used by her if she wanted to make the kaleidoscope of length 25 and radius 3.5? Example number 3 में kaleidoscope कुछ इस तरीके से बनेगा paper को fold करके इसकी लेंथ है, लेंथ का मतलब होगी हाइट। हाइट कितनी होगा आपको 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस आपको बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर। अब जो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया? संजीव आनंद क्या चाहिए होगा? सिमरन इसके लिए कर्व चाहिए होगा या टोटल चाहिए होगा? कर्व चाहिए होगा। सिमरन को क्यों कर्व चाहिए, टोटल क्यों नहीं चाहिए? कहा लिखा क्वेश्चन में? कब क्वेश्चन में लिखा होगा कब सर्फ एरिया? नहीं लिखा होगा तो क्यों लिख रहा है कब एरिया? भव्य कह रहे सर टोटल सर्फ एरिया लेना है, किसी का कह रही है कब क्या लेंगे, कब या टोटल? कब लेंगे टोटल के साथ? कौन कौन है? नेहल है टोटल के साथ। तब बिकॉज ओके, हाँ भाई जल्दी बोलो, सिमरन इतना टाइम नहीं है। किसने बोला कर्व है? तो सारे सिलेंडर का कर्व पार्ट तो हो ही होगा। फिर से भी कह रहा है सर टोटल, कोर भी कह रहा है टोटल, यस हाँ बताओ बेटा कर्व है टोटल? कर्व क्यों निकालेंगे कर्व, यही तो पूछ रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर ये है कि काइडोस्कोप जब भी बनाते हो एक तरफ से देखोगे और एक तरफ से जिसको देख रहा है, तो दोनों होल्स को अगर बंद कर दूंगा तो देखूंगा कैसे? यूज कहां पे होगा? सिर्फ कर्व पार्ट पे होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर ये है, एरिया ऑफ पेपर यूज्ड विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 33.5, 35/10 इनटू हाइट, हाइट 25, 7 वन्स आर 5 आर 5 टूज आर 10 कैंसिल, 22 इनटू 25 That is equal to 550 centimeter square. Done. Next exercise 13.2 question number 1. यहाँ पे देखो आप क्या बोल रहे हैं, the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 is 88. Find the diameter. आपके पास question number 1 में एक सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट आपको बोल रहा है 14, निकालो इसका आंसर। कर्व सरफेस एरिया 88 गिवन है, तो आपको डायमीटर निकालने के लिए बोला है, डायमीटर रेडियस का डबल हो जाएगा। सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। अबे देखो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस निकालना है, हाइट 14, 7 1 का 7 2 का r 2 into 44 into 2 88, तो रेडियस आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 r 2 into 1 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? इजी सा क्वेश्चन था ना, जरा दिमाग लगाना, सिंपल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 टू फॉर्म अ फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द मेटल शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम? क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है,
डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है, तो सिमरन क्या निकालेंगे इसके अंदर हम लोग, सब जरिया गौ जरिया प्रांजल y will be fine total surface area क्योंकि पूरा में क्या कर रहा है क्लोज्ड कंटेनर बोल रहा है, तो क्लोज खुलेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, राइट। तो निकालिए आंसर, फटाफट सॉल्व करो, निकालो आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है आपका आंसर, समझ आ गया क्यों निकालना है आंसर? मन्नी जिंदे दोबारा एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर टू में जो नलायक पीछे बैठे श्रोता हो जाए, आपको गिवन है क्लोज बनाना है, क्लोज होगा तो चार लाइन से बंद होगा नहीं, ऊपर नीचे नहीं बंद होगा, तो पानी भरूंगा नीचे से गिर जाएगा, ठीक है ना? तो क्लोज बनाना है, क्लोज में क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r + h, डायमीटर 140 है, रेडियस 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 2πr। This is 10. 440 into 170. Multiply कर दूँ. Centimeter square. कितना आंसर आया बेटा? 748. Cross check किया आ रहा सबका? कितने? मीटर में निकाला है? मीटर में निकालेंगे तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है ना कृष्णा? कृष्णा करो. कितने? 748 सेंटीमीटर स्क्वायर और 7.48 मीटर स्क्वायर, 7.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में आपको बोल रहा है मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4, आउटर इज 4.4। अब क्रॉस सेक्शन, बंदो क्रॉस सेक्शन क्या होता है? कोई भी जो पाइप होती है उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, ठीक है ना? कोई ना कोई थिकनेस होगी, तो ये थिकनेस होगी, यहाँ पे क्या रहेगा? ये आपका रहेगा इनर रेडियस, ये बाहर तक रहेगा आउटर रेडियस, क्योंकि पाइप कुछ मोटी भी होगी ना, कोई मटेरियल से बनी होगी तो मोटी भी होगी, तो जो मोटी है जो ब्रेथ है वो ये वाला पार्ट है, ये इनर रेडियस, जहां से पानी अंदर बाहर निकलेगा, ठीक है? इनर इनर डायमीटर आपको 4 गिवन है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 2, आउटर डायमीटर 4.4, तो रेडियस कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। इस पूरे की हाइट, हाइट 77 सेंटीमीटर है, पहले पार्ट में आपको क्या बोल रहा है इनर टॉप सरफेस एरिया, ये जो अंदर का पूरा जो टॉप सरफेस एरिया है वो अंदर का टॉप सरफेस एरिया क्या जाएगा 2πr, 2.27 रेडियस r, 2 इनटू हाइट 77 है, 4488 इनटू 11 कितना आ जाएगा, ये 968 आ जाएगा। इनर आउटर सब ले लिया, आउटर टॉप सब ले लिया, ये क्या जाएगा 2πr कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाली साइड पे बाहर वाला रेडियस देना पड़ेगा, हाइट हमारी सेम रहेगी, 2 × 22/7 इनटू रेडियस, रेडियस कितना है 2.2 इनटू हाइट, टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू 484, 968 इंटू 11/10, तब में क्या आंसर आ निकालो उसका,
सर व्हाट्स रिटन अबव आर, बेटा ये डायमीटर है, इनर डायमीटर ये डी लिखा हो, सॉरी यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, अंदर का डायमीटर 4 है, उसका रेडियस जो हो जाएगा वो आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1064 बाय 10 भी है, 0.8 है, ठीक है। अब क्रॉस चेक, सबका ये आंसर है 1064.8। तो इनर सरफेस कर्व सर्फ एरिया आ गया, टोटल वो आपका आउटर कर्व सर्फ एरिया भी आ गया। अब समझो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया, थर्ड क्या है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जब पाइप को मैं देखूंगा तो उसका अंदर का कर्व पार्ट नजर आएगा, बाहर का कर्व पार्ट नजर आएगा, दोनों निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, बट जब पाइप को टॉप सरफेस से देखूंगा तो टॉप सरफेस ऐसी होगी, बॉटम सरफेस भी सेम ऐसी होगी, तो हमें ये वाला पार्ट नजर आ रहा होगा, ये वाला पार्ट। इस पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा स्मॉल आर, यहाँ से बाहर तो कैपिटल आर, तो इस पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप का एरिया हो जाएगा बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला बीच वाला सर्कल को क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे, और जैसा ऊपर होगा वैसा होगा बॉटम पे भी होगा, इसलिए उसको क्या कर देंगे डबल कर देंगे। फिर पाई कॉमन निकाल लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ऐड कर लो 2.2 प्लस 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 तो टॉप एंड बॉटम का एरिया आ रहा है 5.28 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट प्लस ये जो पार्ट निकाला 968 1064.8 प्लस 5.28, तीनों को ऐड कर लो आंसर आ जाएगा, तीनों को ऐड करते यहां तक इस पार्ट पे किसी का कोई डाउट बेटा, यहाँ पे एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ द टॉप है व्यू हमारे ऊपर से देखेंगे तो ऐसा सा नजर आएगा, तो ये रिंग बन रही होगी, रिंग का एरिया कैसे निकालोगे, बड़े सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दोगे, बड़े सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटे का सर्कल पाई आर स्क्वायर बट कैपिटल आर स्मॉल आर, जो ऊपर होगा वो कहाँ पे होगा सेम नीचे भी होगा, इसलिए दोनों तरफ से करना, इसको डबल कर देंगे, डन इन द चैट बॉक्स नोट करके। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 2038.8 2038.08 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ अ रोलर, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84, इट्स लेंथ इज 120, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू रिवॉल्व, मूव किसके ऊपर कर रहे हैं, प्ले ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है, प्ले ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है ये, ताकि जो पूरा का पूरा प्ले ग्राउंड है वो लेवल हो जाए, तो जब प्ले ग्राउंड के ऊपर जब गोल घूमेगा तो सिलेंडर हो गया रोड रोलर हमारा, तो रोड रोलर का कौन सा पार्ट टच करेगा कर्व या टोटल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितनी बार टच कर रहा है उसको 500 टाइम्स उसको टच कर रहा है, तो डायमीटर आपको गिवन है 84 और लेंथ गिवन है 120, अंदर समझ आ रहा है, लेंथ मतलब हाइट, डायमीटर
84, रेडियस हो जाएगा 42, निकालो बराबर। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू क्रॉस सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय 500, क्योंकि 500 टाइम्स उसके ऊपर से घूमता रहेगा। क्रॉस सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, रेडियस हो गया 42, हाइट हो गया 120, वन का सिक्स 44 इंटू, एक काम करते हैं हम इसको कैलकुलेटर करने के लिए, 5 इंटू 2 इंटू 500, 1000, 132, 120, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर में। मैं इसको 10,000 से डिवाइड कर देता हूँ तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा 132 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। अब दिस विल कम आउट टू बी 1584, 1584 मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर। अब तो के डन दी चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, हाइट 3.5 मीटर गिवन है आपको, हाइट इज 3.5 मीटर्स। सिमरन अभी पिछले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। सिमरन कभी क्वेश्चन में आगे साथ नहीं चल पाओगे वैसे सोचते रहोगे तो। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी कर्व्स, बुक से क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया एट दी कॉस्ट ऑफ 12.5 रुपए, 12.50 पर मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है पेंट क्या करना है कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे ध्यान रखो ये सेंटीमीटर में है, कॉस्ट मीटर स्क्वायर के हिसाब से बोल रहा ना, तो इसको कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 0.25, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई 22/7, रेडियस कितना है 0.25, मतलब 25 बन गया। निकालो आंसर कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.50, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सीएसए विल बी 12.50 मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू 22/7, 25/100 इनटू 35/2, फिर इसमें डालो 100 आ जाएगा, 7 1 5 2 2 से 2 का आंसर निकालो भाई। अच्छा तब तुमने आंसर कौन सा आ रहा था, आंसर तुमने इस तरह से फाइनल आंसर, जो भी फाइनल आंसर आएगा रुपीस में आएगा, जो भी फाइनल आंसर आएगा रुपीस में आएगा, 5.2 नहीं हो सकता बेटा। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करा था, जिन्होंने सीएसए निकाल लिया था वो सिर्फ 12.50 से मल्टीप्लाई करते थे, मैंने इसको पूरा नीचे लिख दिया था 68.750। ₹68.75 यही आंसर आ रहा है। क्रॉस चेक नेक्स्ट करते हैं आप।
Yes, sir. Now even I got it. Okay. Great. Ranjan, answer निकल गया. फिर से दृष्टि वर्मानी. और दोस्त वर ऑनलाइन. Your voice is breaking. आवाज आ रही है सबको? ठीक है. Next question number. Question six अपने आप करोगे. Question seven भी अपने आप करोगे. Question number six में आपको top surface area given है, radius given है. तो height निकाल लोगे वहाँ से 2πr से. ठीक है? अपने आप solve हो जाएगा. जैसे question वो बंद करा था. Question number seven देखो. इनर डायमीटर गिवन है आपको, तो उसको हाफ करूंगा तो रेडियस आ जाएगा 3.5/2 और सॉल्व करूंगा तो 1.75 आ जाएगा. हाइट गिवन है 10, तो पहले आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पहले पार्ट में बोल रहा है इनर कर्व सब दे दिया. इनर कर्व सब दे दिया कितना हो जाएगा 2πr/h. फिर आपके पास बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टर. प्लास्टर कहाँ लगाऊंगा? उसके कर्व सब दे दिया पे. तो जो कर्व सब दे दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? ₹40 से. समझ आ गई है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे लिए बड़ा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन. बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या निकालना है इसमें, तो मेरे को बताएंगे दृष्टि अरोड़ा, दृष्टि वर्मानी एंड सिमरन, ये तीन तो बताएंगे बताएंगे, बाकी भी बना सकते हैं. हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप जिसकी लेंथ गिवन है, लेंथ का मतलब हाइट, डायमीटर 5, तो डायमीटर वादा कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास? रेडियस आ जाएगा. अब से निकालना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस. तो बताओ सिमरन जी क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पे? व्हाट वी विल फाइंड? टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. हाँ जी दृष्टि अरोड़ा, दृष्टि वर्मानी, हृदय. हाँ जी अंशिका, कर्व सरफेस एरिया. तो फाइनल आंसर में कहाँ लॉक किया जाए? सहज कह रहे हैं टोटल, शाबाश. सिर्फ एक ही बच्चे को पता है, अंशिका कपूर. क्यों? क्योंकि अगर पाइप पे करो नहाए नहाते नहीं हो, इसका मतलब यही है घर में गीजर लगा हुआ है, गीजर में तो यही हुआ है, ऐसे एक्सटेंसिव कॉइलिंग हुई हुई है ना गीजर के अंदर भी, तो पाइप भी थोड़ा सा पानी गर्म हो रहा है. पानी गर्म का हो रहा है, टोटल सब देखिए मतलब गर्म होगा. एक तरफ से पानी आएगा, दूसरे तरफ पानी बाहर निकलेगा, इधर से खुला हुआ, इधर से भी, तो पानी गर्म का हो रहा है, ये सरफेस पे पानी गर्म हो रहा है. ठीक है ना? पानी गर्म का होगा, सरफेस पर पानी गर्म होता है. तो क्या निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन में लोग? तो क्वेश्चन में लिखा ही ऐसा है टोटल, तो टोटल देख के बच्चे कहते सर टोटल सब देख के लगा दो. अरे नहीं, साथ में पढ़ो रेडिएटिंग. रेडिएटिंग मतलब वहां से पानी गर्म हो रहा है, समझ आ गई बात? इसलिए क्या निकालेंगे? कर्व सब एरिया निकालेंगे. एक तरह से पानी जाएगा इनलेट, एक तरह से बाहर निकलेगा आउटलेट. ठीक है? सोचा भी नहीं हमने सर आउटलेट होगा इनलेट होगा, हमने सोचा टोटल लिखा है टोटल लगा दो. नेक्स्ट 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट खुद करोगे, सेकेंड पार्ट मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं, सेकेंड कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में. अब हम करते हैं 10 and 11, क्योंकि ना इस चैप्टर में पूरी कैलकुलेशन है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है. 10th वाला रीड करो, हाँ ना, होमवर्क है. 9th का सेकेंड नहीं हो पाएगा अपने, वो मुझे ही कराना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला कि मैं करा दूंगा, वरना जो तो छूट रहे हैं वो सारे आपके होमवर्क में ही है. 10th वाला क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है उसको समझो, उसको क्वेश्चन में मान क्या रहा है आपको बोल रहा है. हमें वी सी अ फ्रेम ऑफ अ लैंप शेड, इट इज कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ. तो साइड टेबल पर हम लोग इस टाइप का लैंप शेड रख देते हैं, उसकी बात कर रहा है. आसपास क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा लगा होता है, पेपर हो सकता है लगा हुआ, तो क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे. अब आपको बोल रहा है यहाँ पे एंड में हाउ मच एरिया, सर कुड यू प्लीज रिपीट दी. बेटा सारे क्वेश्चन होमवर्क में है जो बच गए हैं. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? फ्रेम का बेस डायमीटर 20 है और हाइट कितनी है? 30 है.
फिर आगे बोल रहा है मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। शाबाश, ये चीता है, वेरी गुड। रेडियस कितना था? रेडियस कितना है? 10 गिवन है रेडियस। ये हाइट कितनी गिवन है? कब से एरिया? ठीक है ना, कब से एरिया कितना हो जाएगा? 2π r h कितनी रहेंगे सिमरन? 30 रहेंगे। ये 30 रहेंगे सारे गलत है। क्यों गलत है? क्वेश्चन है, बोल रहा है जब बनाओगे ना इसको तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर 2.5 नीचे, क्योंकि ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होगा ना, स्टिचिंग होगी। मैंने शर्ट पहनी है, जीन्स पहनी है, कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होगी, तभी तो वहां पे इसको स्टिच करो क्या? तो 2.5 ऊपर है, 2.5 नीचे है, वो अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिचिंग करी हुई हमने, तभी तो फोल्ड होगा। तो जो हाइट है हम लोग 30 नहीं लेंगे, हाइट कितनी हो जाएगी? दिस एच प्लस ऊपर नीचे का 2.5 प्लस ऊपर जितना आ जाएगा ये 35। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिनका हो गया वो नाइन्थ वाला सोचो कि नाइन्थ वाला कैसे करना है हमने। आनंद समझ आ रहा है? संगीर आनंद, बोलो सबका ये वाला तो 11th वाले पे आ जाते हैं। प्रांजल आप बेटा एक क्वेश्चन बता दो, अभी लास्ट रह गया एक्सरसाइज का, कि क्या निकालना है इस क्वेश्चन में 11th वाले में। और जो पूजित जी चुप करके बैठे हुए, हर्ष चुप करके बैठा हुआ, पूरी पूरी क्लास निकल जाती है, कोई रिप्लाई नहीं है इनका। शाबाश। द स्टूडेंट्स ऑफ द विश्वविद्यालय या विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस। एक सिलेंडर है, पेन होल्डर तो ऐसे ही था होता है, अंदर पेन ऐसे रखते थे हम लोग सिलेंडर में। रेडियस 3 गिवन है, हाइट रेडियस 3, हाइट 10.5, 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए? एरिया ऑफ कार्डबोर्ड बताओ मेरे को भाई क्या है। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जी बेटा राइट, यहाँ पे क्या करेंगे? कहाँ लगाएंगे कार्डबोर्ड? टॉप सरफेस एरिया में, और क्या लगाएंगे? बॉटम पे लगाएंगे। तो टॉप सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr। बॉटम एरिया कितना होता है? πr स्क्वायर। क्या कॉमन है? πr, तो क्या आ जाएगा? 2h प्लस r। लगे जी सब्सिट्यूट दी वैल्यूज आंसर आ जाएगा, बट ये ना एरिया एक का है, मुझे कितने के लिए निकालना है? 35 लेंगे, पूरे को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। और आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए हो गया भाई।